हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ पर 2 दिन से रीडिंग नहीं अपलोड हो पाई क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी मैं, और कल मेरा फास्ट भी था, दैट इज़ वाई। और कल भी फास्ट है, हो सकता है कल भी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कल तो मैं रीडिंग अपलोड करूँ। ठीक है, तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जो आपके माइंड में ऑल द टाइम है वो पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस और बातें पता चलेंगी हमें। तो शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। एक कार्ड आ गया हमारे पास, मैनिफेस्टेशन, फॉरगिवनेस। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवाइन मैस्कुलिन। ये अपने आप आया कार्ड, ओके। एंड डिवाइन फेमिनिन, सेरेंडिपिटी, ओके। कार्ड्स आ गए हैं गाइज आपके लिए। ओके, तो क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए? देखिए, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, आपको ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन थोड़े अपसेट हैं या फिर किसी प्रॉब्लम में हैं। आपको ऐसी वाइब्स आ रही हैं राइट नाउ, और ये वाला कार्ड भी क्लियर ऐसा ही बता रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और अपने अपने आप ही कुछ भी डिसीजन लेकर कुछ भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लग रहा होगा और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इश्यू है लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या फिर काम नहीं बन रहे हैं। बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं। ठीक है, आप तो कुछ इस तरह से सोच रहे हो। अब ये पर्सन कैसे सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में? देखिए, ये पर्सन इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को ठीक करने की या इस कनेक्शन में कुछ कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि ज़िंदगी हमेशा इसी तरह से ना चले, इसको एक पॉइंट तक लेकर जाना है आपके पार्टनर को। ठीक है, आपके पार्टनर सोच ऐसे रहे हैं, तो इस प्रोसेस में जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को आपको, तो इस प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हीलिंग होगी तो कुछ ना कुछ हर्ट भी होगा। कहते हैं ना, अगर देखो इंसान को कुछ घाव बन जाता है और जब उसकी हीलिंग होती है तो वो पेनफुल तो होता ही है ना, बट एट दी एंड सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये आप सभी को प्रोसेस पता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आप दोनों को ही स्ट्रगल या फिर पेन या फिर थोड़ा सेपरेशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यस, हीलिंग थोड़ा पेनफुल होती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं, अगर आप लोग रीडिंग देख रहे हैं तो आपको ये बात तो पता ही होगी। लेकिन देखो, इनके दिल में कितनी ज़्यादा मतलब आपके लिए फिक्र है, केयर कह लीजिए या फिर लव कह लीजिए, कि हीलिंग से इनको पता है कि आप दोनों हर्ट हो रहे हो, तो इसको देखो ये सॉरी भी फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर। फॉरगिवनेस का कार्ड है, यस, ये पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं कि बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी, ना फीलिंग्स, ना लव, ना ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं। ठीक है, फील कर रहे हैं, क्योंकि देखो हैं तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आप इनके डिवाइन फेमिनिन हैं। ओके, तो यस, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नो डाउट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को हीलिंग में मदद कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये भी मालूम है कि अगर उन्हें कुछ भी किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर वो चले जाते हैं तो आपकी बातें, आपका
साथ देना इसके लिए एक हीलिंग की तरह ही होगा, ठीक है? आपकी बातें, आपकी वाइब्स इसको हील करती है। और कहीं ना कहीं बात ऐसा भी हो सकता है, आपको फील हो रहा हो कि कुछ बातें आपके पर्सन, अपने रिस्पेक्ट पर, मतलब अपनी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया है, कुछ इस तरह का आपको डाउट हो रहा होगा। बट ऐसा है नहीं, वो इंसान तो खुद सॉरी फील कर रहे हैं अगर आपको हर्ट भी कर दिया है तो, या इनडायरेक्टली अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर वो सॉरी फील कर रहे हैं, उन्हें भी रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आपके कनेक्शन की, तो अभी कनेक्शन थोड़ा सा खतरे में है, ठीक है? रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, लेकिन ये हीलिंग प्रोसेस है। तो हीलिंग तो देखो तभी होती है जब जब चेंजेस हम लाना चाहेंगे, और चेंजेस आपके पर्सन लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई आप दोनों थोड़ा कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, पर आपको समझना चाहिए इस प्रोसेस को। और अगर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करने लगे हैं इस पर्सन के साथ, तो सारे डाउट ख़त्म करके सिर्फ सरेंडर कर देना चाहिए ये कनेक्शन, जो होगा एंड में देखा जाएगा। ऐसे सोच सोच कर अपना अपनी खुद की हीलिंग कीजिए, अपना खुद का इनर वर्क कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यही अप्रोच आपके पार्टनर ने लगाई है, आपको एक तरफ रख कर हीलिंग कर रहे हैं। क्या हील कर रहे होंगे ये? अपनी खुद की लाइफ, अपनी खुद के प्रॉब्लम्स को। इसी तरीके से इस कनेक्शन को भी हील कर पाएंगे, तो सेम अप्रोच आप भी फॉलो करो ना, कर दो उस पर्सन को एक साइड में और अपनी लाइफ को हील करना शुरू कर दो। कहीं ना कहीं सॉरी आपको भी तब भी फील होगा, अरे मैं अपने पर्सन को कुछ कह नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ और कुछ बता नहीं रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है? सेम आपके पर्सन इस टाइम आपके लिए फील कर रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बट इस सिचुएशन को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। और आपके पर्सन मुझे गलत लग नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, वो सही अप्रोच अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। आप भी कीजिए, लेट्स सी मोर और क्या आता है, ठीक है? और देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्टार, डेविल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी डेवल एनर्जी दिख रही है गाइस, इट मींस एडिक्शन, ऑब्सेशन, ठीक है? इस तरह से है, उन्हीं चीज़ों को तो हील कर रहे हैं ये, अपनी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं इनकी लाइफ में, उन्हें ही हील कर रहे हैं। बट देखो स्टार कार्ड है, इट मींस वेट कर सकते हो आप। अरे वाह, इतनी जल्दी जल्दी कार्ड आ रहे हैं। चाहते तो ये रिकन्सिलिएशन करना है, बट मुझे लगता है कि अभी कुछ कार्मिक चल रहा है आपके पर्सन के साथ, मुझे ये दिख रहा है। और ये सीख रहे हैं कैसे माफ़ करते हैं, कैसे सीखते हैं लाइफ के अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस को, ठीक है? ऐसे सीख रहे हैं ये, क्लियर है? लर्निंग मीन्स हीलिंग, जो लर्निंग फेज में है वो अपने हीलिंग फेज में है, हीलिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। यस, और इसमें ये माफ़ी देना भी सीख रहे हैं। हो सकता है ये बहुत रूड हो, डेवल एनर्जी बता रही है यहाँ पर, तो अब ये बहुत पोलाइट हो जाएंगे। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बींग अफेक्टेड बाई चिल्ड्रन एंड सोलमेट्स। हो सकता है आप दोनों का ही ना चाइल्डहुड कुछ खास ना रहा हो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो रेड फ्लैग्स आए हुए हैं यहाँ पर इस कनेक्शन में, बट आप दोनों देखो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, बचपन से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा सहा है, सीखा है, सहा है तो सीखा भी है डेफिनेटली, है ना? और सॉरी, हाँ, और यहाँ पर गाइज एक चीज है कि अभी भी आप सीख ही रहे हैं, ये चीज़ है यहाँ पर। सो जितना हो सके, जैसे आपके पार्टनर ने अप्रोच लगाया है वैसे ही अगर अप्रोच आप भी लगा लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा होने वाला है। मतलब 2-3 दिन में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला कि पर्सन आपको आएंगे और बोलेंगे कि यस आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, इस तरह से कुछ नहीं कहने वाले। अभी ये अपने लर्निंग फेज में हैं, हीलिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, कितना टाइम? 15 से 20 दिन, 1 महीना लग सकता है, ठीक है? तो इसलिए आप पेशेंटली अपना इनर वर्क करें और सरेंडर कर दें, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। चलिए
चलो यहाँ से ना अब जान लेते हैं क्या मैसेज देंगे ये. यू आर फनी, फनी कह रहे हैं. यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ये तो यहीं से क्लियर हो रही है ना ये वाला कार्ड. यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, यू आर माई सोलमेट. देखो सोलमेट का कार्ड यहाँ से भी है, सोलमेट का कार्ड यहाँ से भी आ गया है. और ये तो खैर आप दोनों सोलमेट्स हैं तो आप दोनों को एक दूसरे की वाइब भी अच्छी लगेगी और आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी आराम से करवा पाएंगे. यस सोलमेट हैं आप दोनों एक दूसरे के गाइस, कंफर्मेशन है बिल्कुल. एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी हैं आप एक दूसरे के. यस गाइस देखो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये कनेक्शन हील हो जाएगा, सो पेशेंस के साथ आगे बढ़ें, मैनिफेस्ट करें. ओके दिस इज योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर.